आपने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कितने गांव का दौरा पूर्ण कर चुके हैं? मैं तकरीबन 80% सारे गांव को कवर कर चुका हूँ और पूरे के पूरे सोनीपत लोकसभा के 20% बचे हैं, उनमें भी सब में हाथ जोड़ने के लिए जाऊंगा और निश्चित रूप से ये सारे 10-11 तारीख तक पूरे कंप्लीट कर लूँगा। क्या समर्थन गांव में ग्रामीणों का आपको मिला? अपार जन समर्थन और अपार आशीर्वाद ग्रामीणों का मिल रहा है। ग्रामीण अंचल में बसने वाले हर किसान कमेरे की बात चौधरी देवीलाल जी ने उठाई और बाद में चौधरी ओम प्रकाश चुराला ने उठाई और जितने बुजुर्ग खड़े हैं ये इस बात पर मोहर शुरू से लगाते आए हैं कि भाई हमारी पुरानी पार्टी तो देवी दलाली है और हम उसी पर मोहर लगाओगे, क्योंकि पेंशन उसने दी है, कन्यादान योजना उसने शुरू की, इस किसानों की किसने सुनी, कर्जा माफ़ किसने कराया तो चौधरी देवीलाल ने किया। और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस हिसाब से एक षड्यंत्र के तहत जेल में हैं, निश्चित रूप से उसको बाहर निकलवाने के लिए हर एक बुजुर्ग चश्मे के निशान पर वोट देकर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हाथ मजबूत। अच्छा भाई साहब, ये अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक बयान आया, वो कहते हैं कि दादा पोता बेटा इनकी राजनीति ख़त्म हो रही है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उनके कहने से तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 156 वायदे जो उस समय किए थे उनमें से 20 वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए, चाहे नौकरियों की बात कर लो, चाहे बिजली सस्ती की बात कर लो, स्वामीनाथन नायक की रिपोर्ट लागू करने की बात कर लो, जितने भी मुद्दे उनके थे वो सारे के सारे रद्दी की टोकरी में डाल दिए। अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं, अब और कुछ नहीं तो परिवारवाद की वो बात करते हैं। परिवारवाद अगर देखना है तो आप जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखो, परिवारवाद देखना है तो अजय सिंह चौटाला जी का देखो, जी के दोनों लड़के मैदान में हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बाप बेटा मैदान में हैं। हमने तो एक कर्मठ कार्यकर्ता को मेरे को टिकट देकर अरे लोकसभा में भेजा है, आपके सामने है, मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो सदैव दूरदर्शी की सोच रही है उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया। अच्छा, ये JGP प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला कह रहे थे कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर 5 साल तक पूरा समय देते हैं तो बोला मैं उनको समर्थन दे दूँगा, आप इसके बारे में क्या कहोगे? इससे मैंने तो उससे पहले दिग्विजय सिंह ने तो बाद में कहा होगा, मैंने तो जिस दिन वो आए उस दिन से बयान दे रहा हूँ कि 6 महीने के लिए आया है, गलती से इसको जिता दोगे तो उन्होंने यही कहना है कि रोहतक जीत गया, सोनीपत हार गया और उसके बाद इस्तीफा देकर भाग जाना है और कलोई से चुनाव लड़ेगा, उन्हें सोनीपत की जनता से ना कोई लेना ना देना ना कोई काम करना, क्योंकि पिछला जो उदाहरण 10 वर्षों का उनका रहा है इस सोनीपत की हमेशा अनदेखी की, एक सौतेलेपन का व्यवहार किया, तो सबकी समझ में ये बुजुर्गों की आ रहा है कि हमारे को 6 महीने का सांसद नहीं चाहिए, हमारे को 5 वर्ष का ही सांसद चाहिए जो हमारे काम कर सके, हमारे दुख तकलीफ में साथ खड़ा रह सके। छिकारा जी, एक बहुत ही प्यारा सवाल आप तक पहुँच रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार आपको कवर कर रहा हूँ, आपके पास में कोई बच्चे सेल्फी लेते हैं, कोई बड़ा जो है ना युवा वर्ग आपके प्रति बड़ा एक्टेट है, इसके बारे में आप क्या विशेष कोई कार्य योजना लेकर चले थे क्या? नहीं, कार्य योजना के अलावा आप देखो जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन सब में मैं सोनीपत का लोकल होने के नाते, यहाँ का स्थानीय निवासी होने के नाते सब मेरे अपने चहेते हैं और बहुत से लोगों को मैंने सोनीपत में रोज़गार दे रखा है, करीब 2,500 युवाओं को नौकरी दे करके उनका मान सम्मान बढ़ा रखा है और आप देख सकते हैं मेरे साथ कितने युवा चारों तरफ साथ हैं और हमेशा साथ रहते हैं और आगे भी ये लोग ये मान सम्मान आशीर्वाद देंगे। मैं हर गांव से, ये सरकार तो नौकरी लगाए ना लगाए झूठे वायदे करता है, सुरेंद्र छिकारा हर गांव से 20-20 लड़कों को नौकरी देने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद।